बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एग्री सिस्टम पे के यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। सोना यूरिया खाद की अफगानिस्तान स्मगलिंग बड़े पैमाने पर जारी। ज़्यादातर बलूचिस्तान के इलाकों से अब स्मगल की जा रही है। पहले तोरखम चमन के बॉर्डर से स्मगल हो रही थी, अब बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रही है, जिसकी वजह से मुकामी काश्तकार को मुश्किलात का सामना है। वहाँ से टायर स्मगल होकर पाकिस्तान आते हैं, जिससे मुल्क की मैशत को काफ़ी नुकसान होता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से स्मगलिंग वैसे जारी है, लेकिन अब नया रूट बलूचिस्तान का बन गया है। बलूचिस्तान से बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान खाद स्मगल की जा रही है। डेली हज़ारों बैग्स के हिसाब से अफगानिस्तान स्मगलिंग जारी है। ये देख सकते हैं बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों दालबंदीन तफ्तान के करीब, वहाँ से अफगानिस्तान को स्मगलिंग बड़े पैमाने पर जारी है, जिसकी वजह से मुकामी काश्तकार को मुश्किलात का सामना है और उसे डबल रेट पर ही यूरिया खाद देनी पड़ती है। जो 1800-2000 की खाद है उसको वो 3500 में जाकर मिलती है। यह अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को यूरिया खाद की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर जारी है, जिससे मकामी काश्तकार को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल एग्री सिस्टम पिक पर पहली दफ़ा है तो बरए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर ज़रा ट्रैक्टर खादें गला मंडी अजनास वगैरह की तमाम मालूमात फराहम की जाती हैं। मिलते हैं किसान भाई दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।